मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की विकास और न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में एक सभा को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्यों और सरकार की प्राथमिकताओं को बताया है। उन्होंने इस संदेश में अपने उद्देश्य को साफ और स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, जो उनकी नेतृत्व वाली सरकार के कार्यक्षेत्र में है। चौहान ने कहा, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं इसलिए सरकार चलाता हूं कि अगर यह हाथ में हार मास हो तो यह तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी जिंदगी सवर जाए। और कोई लालच नहीं, मेरे पास कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। मेरा उद्देश्य है केवल जनता की सेवा करना। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उसे कोई दुखी नहीं होना चाहिए। हम वह काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत है और उसके लिए हम जनता के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति जनता के भले के लिए काम करता है, उसे वोट देना चाहिए और वोट की नीति को वामन तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि क्या भाजपा की सरकार फिर से बनाना चाहिए और वोटर्स को यह निर्णय लेने का अधिकार देने की बजाय उन्होंने अपने वोट को महत्वपूर्ण माना है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा, फिर सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा, ताकि किसी को पलायन ना करना पड़े। हम रोजगार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता देंगे, हमारी उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से भी रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियों का सही उपयोग करके भी लोगों को रोजगार दिलाएंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। वे यह भी जताए कि उनके उद्देश्य हैं कि हर परिवार को आर्थिक रूप से सशक्ति प्राप्त हो और यह सभी क्षेत्रों में हो। इसके लिए वे विभिन्न योजनाओं का समर्थन करेंगे, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, उद्यम क्रांति योजना, सरकारी नौकरियां और स्वरोजगार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ। वे अपने नेतृत्व में काम करते समय व्यक्तिगत लाभ की चिंता नहीं करते, बल्कि लोगों के साथ हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, किसानों को सहायता पहुंचाने की घोषणा। चौहान ने खरगोन में हुई भारी बरसात और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छता सर्वे करके नुकसान की भरपाई करेगी और किसानों को सहायता पहुंचाने के उपायों की भी जांच करेगी। उन्होंने बताया कि बड़वानी जिले में सरदार सरोवर बांध के पानी में घरों में हुई नुकसान की भरपाई भी की जाएगी और जिन लोगों के घर बाढ़ में डूब गए हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की बात की। उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना का समर्थन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने नवग्रह मेला मैदान पर मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन, 1386 करोड़ रुपए की झिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना, 1481 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के कार्यों, देवी अहिल्या लोक और नवग्रह लोक का भूमि पूजन किया। उन्होंने 515 करोड़ रुपए की विस्तार उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया। सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाने वाले युवक गिरफ्तार। खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को काले झंडे दिखाने पर 5 युवकों पर 151 के तहत कार्रवाई की गई है। ये युवक करनी सेना के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता को समझाया। उन्होंने अपने उद्देश्य और कामकाज को साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया, जो उनकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।